नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज़। भारत, वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे आगर मालवा की, जहां नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई, परिवार में छाया मातम। बात करेंगे बालोद की, जहां सभी स्कूलों में चल रहा है समर कैंप, और बताएंगे कैसे शहडोल में अवैध कोयला खदान संचालित की सूचना पर सुहागपुर SDM ने कोयला जब्त कर खदान बंद कराया। तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगर मालवा से, जहां जिले के नलखेड़ा तहसील के गांव चालडा स्थित लखुंदर नदी में 3 बच्चों के डूबने से मौत हो गए। दरअसल तीनों बच्चे अपने परिवार सहित बुजुर्ग बाबू सिंह के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए आए थे। सभी पुरुष शुक्रवार शाम को शव यात्रा में चले गए और महिलाएं लखुंदर नदी में नहाने चले गए। इसी दौरान 3 बच्चे भी उनके साथ चले गए, लेकिन 3 बच्चे लखुंदर नदी में ही डूब गए। साथ में मौजूद महिलाओं ने जब बच्चों की तलाश की तो बच्चे नजर नहीं आए। बता दें कि इस पूरी घटना में 3 बच्चों की मौत हुई है और 3 बच्चे 8 और 7 साल की उम्र के थे। इसके बाद ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने SDARF की टीम मौके पर पहुंचाई और 3 बच्चों की तलाश शुरू करवाई। कई घंटों की मशक्कत के बाद 2 बच्चों के शव बरामद हुए, लेकिन पूरी रात तलाशी जारी रखने पर सुबह 5:30 बजे बच्ची मुस्कान का शव भी मिला। सूचना मिलने पर ASP निशा रेड्डी, SDOP सुसनेर, थाना प्रभारी नलखेड़ा समेत कई लोग मौके पर मौजूद रहे। आगर मालवा से सीनियर संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर बालोद से, जो जिले के अंतर्गत आने वाले गुरूर विकास खंड से लगे ग्राम पंचायत पेंडरवानी का मामला है, जहां प्रशासन के दिशा निर्देश अनुसार बच्चों के विकास के लिए स्कूलों में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के खेल जैसे शतरंज, कैरम, रंगोली, निबंध, इसी प्रकार से कई प्रकार के खेल द्वारा बच्चों के विकास के लिए ये समर कैंप का आयोजन शासन द्वारा किया गया। साथ ही शासकीय हाई स्कूल पेंडरवानी में बोर्ड परीक्षा का भी रिजल्ट अच्छा रहा, जिसके लिए विद्यार्थियों के पालकों के द्वारा शिक्षकों को धन्यवाद भी प्रेषित किया गया। इस दिवस में मुख्य रूप से छगनलाल साहू, टिकेश्वर साहू, तुलेश्वर प्रसाद समेत कई लोग मौजूद रहे। मैं नरेश सिंह नागवंशी, प्रभारी प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल पेंडरवानी। समर कैंप का आयोजन छत्तीसगढ़ शासन के दिशा निर्देशानुसार 20 मई से 30 मई तक आयोजन करना है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का समायोजन किया गया है, जिसमें है रंगोली, है निबंध, कहानी, क्विज और खेलकूद, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, चेस, कैरम इत्यादि खेल है, जिससे मतलब बच्चों का बौद्धिक विकास एवं मानसिक विकास समाहित है, जिससे बच्चों का सतत निरंतर विकास होगा। ऐसा प्रयत्नशील हम समस्त विद्यालय की ओर से बच्चों के लिए किए जा रहे हैं। अभी जो छत्तीसगढ़ हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2023-24 का रिजल्ट, हमारे विद्यालय का हाई स्कूल पेंडरवानी का रिजल्ट 82.93% आए हैं, जिसमें प्रथम 5 बच्चे और द्वितीय 13 बच्चे और तृतीय 6 बच्चे उत्तीर्ण हैं, 2 सप्लीमेंट्री और 5 बच्चे फेल हुए हैं। बालोद से सीनियर संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर छत्रपति संभाजी नगर से खबर है। बुरी तरीके से पिटाई का शिकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय से गुहार लगाई गई है। फिल्मी स्टाइल में पिटाई, काले मिर्च पाउडर डालकर रोहे की रॉड से 5 लोगों पर जानलेवा हमला, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी को पुलिस पकड़ने में असमर्थ नजर आ रही है। बता दें कि 1 मई को 13 व्यक्तियों ने शेख मोहम्मद शेख लाल के घर पर हमला कर दिया था। हमला इतना भयानक था कि परिवार अचानक हुए हमले का जवाब देने में असमर्थ था, क्योंकि उनकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंका गया था। लोहे की रॉड से उन पर हमला किया गया था, जिसके बाद से ही पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरी खा रहा है, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। 12-13 जने बाहर के गाड़े, 2 गाड़े आए थे, 7-8 जने बाहर के थे, ये घर के थे, ये भिकू, ये भिकू पाशु, ये उसके 2 बेटे, उसके 2, इसके पाशु के 2 बेटे, भिकू के 2 बेटे और हमारा करीम भी, और वो सब आके लकड़ियाँ टामिया लाए, बड़े बड़े टामिया मेरे बच्चों को मारे। मैं देखने को गई तो मेरे भी पाँव पे डाल दिए टामिया, मेरे को भी बुकटा फेंके, पहले टामे सिर में डाले, मेरे बच्चे बेहोश है अभी, और फिर
दवा खाने में पड़ा हुआ है, मेरा बच्चा टूट नहीं है, 24 दिन हुए तभी सूझ में नहीं है, मेरा पाँव टूट गया, मेरे को चलते हैं पड़ी है, तुम साहब इसको कुछ इनको ही करो, इसको कुछ हमारा कुछ ध्यान लगाओ, हमारा गरीब लोगों को कुछ करो हमारा। साहब एक बात थी, हमारे घर को 13 लोग आ गए, 13 लोगों ने क्या करे, फुकनिया फेंके और 2-3 जन टांगे मारने पे रहते थे, और वो 3-4 बच्चे मेरे घायल करके डाल दिए, और वो बच्चे को ऐसे मारे कि वो बेहोश अभी भी दवाखाने में, बुढ़ी का पैर तोड़ डाले, मेरा सर फोड़ डाले, मेरी फटली तोड़ डाले, और वो इसमें बड़े दवाखाने में जाके बड़ा हुआ है बच्चा, अब वो कहता है तुम इतना न्याय हमको दो मेहरबानी करके, क्या ऐसा होगा क्या साहब, क्या हमको मरना मुश्किल आ गई, ऐसी बात आ गई। अब एक बात ये सवाल रहा है, क्या 9 लोग फालतू फिर रहे, हम 4 लोग अटक कर दिए उन्होंने, अब पुलिस वाले कोई हमारा इंतजाम कर रहे नहीं, पुलिस वाले हमारा भाग ले रहे नहीं, आप तुम्हारे को क्या न्याय देने का, तुम दो साहब, नहीं तो हम मरने को बैठे हुए, आप रात का घर पर आ रहे मेरे 3-4 जने, तेको मार डालेंगे काट डालेंगे, केस पीछे ले जल्दी, नहीं तो तेको बचाते नहीं हम, ऐसा कर रहे साहब, कोई मेहरबानी करके पाचू भिकू कलीम ये 2-3 जने मेरे रात को भी घर को आए थे, रात को भी घर को आए थे, 3-4 जने और घटना वाले भी घर को आ गए। महाराष्ट्र से सीनियर संवाददाता रविंद्र खरात की रिपोर्ट। खबर शहडोल से, जहां सुहागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले एक ऐसे क्षेत्र का मामला है जहां कोयला की अवैध खदान खुलेआम धड़ल्ले से संचालित हो रही है, जो संभागीय मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत धुरवार और नवलपुर क्षेत्र की, जहां कोयले की अवैध खदान का स्टिंग वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां कोयले का अवैध खनन और उसके काले कारोबार को साफ तौर पर देखा जा सकता है, वो भी रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन दहाड़े खुलेआम। इस काले कारोबार को लेकर सभी जिम्मेदारों ने अपनी आंखों में पट्टी आखिर क्यों बांध ली है, ये बड़ा सवाल है। जब हमारे संवाददाता द्वारा सुहागपुर SDM अरविंद शाह और एडिशनल SP अभिषेक दीवान को दिखाई गई ये पूरी बात, तो पूरी सक्रियता और पारदर्शिता के साथ सुहागपुर SDM अरविंद शाह ने टीम बनाकर कल अवैध खदान पर छापा मार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में माइनिंग इंस्पेक्टर प्रभात पट्टा, माइनिंग सर्वेयर समयलाल गुप्ता, पुलिस जवान और होमगार्ड के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पूरी टीम को देखकर अवैध उत्खनन कर रहे लोग विषम भौगोलिक स्थितियों का फायदा उठाते हुए भाग खड़े हुए, लेकिन कोयले की अवैध खदान और वहां पड़े कोयले और औजार को जब्त कर लिया गया है। वीडियो भेजा गया था जिसमें अवैध खनन होता हुआ प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा था, तो इसके लिए हमने फिर एक पूरा प्लान करके माइनिंग विभाग और पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से एक जांच हमने स्थापित करी। आज हम मौके पे गए, हमको वहाँ पे खनन मिला है, जो खनन में लगे हैं मजदूरों को पकड़ने की कोशिश करी, हालांकि क्योंकि फील्ड पूरा ओपन है वहाँ पे पकड़ना मुश्किल था, बट निश्चित रूप से हमने वहाँ पे जो सामग्री थी उसको जब्त कर लिया है, और जो माइनिंग हो रही है उसको JCB लगा के उसको बंद करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और एक ऐसा सिस्टम यहाँ सेटअप किया जाएगा कि उसका निरंतर निरीक्षण होता रहे और दोबारा माइनिंग जो उस खदान को खोलने के लिए रोका जाए। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ माइनिंग इंस्पेक्टर थे, उसके साथ 2 होमगार्ड के जवान और 4 पुलिस के जवान थे। शहडोल से सीनियर संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। खबर विदिशा से, जो नटेरन जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बगोडिया के कुशलपुरा सहित अन्य गांवों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सुहागपुर में पहले मुरम की रोड थी जो गांव वालों की राहत भरी थी, CD रोड में 2 महीने से ही वो रोड खराब हो गई। CC रोड उखड़ने से निकली मिट्टी और कॉपर से दुर्घटनाएं हो रही हैं, बच्चे चोटिल हो रहे हैं। गरीब और पात्र होते हुए भी कुटीर के लोगों से 15 से 25 हज़ार रुपए की मांग की जाती है। सरपंच गुड्डी बाई बंजारा के नाम से उनके पति खुली लूट कर रहे हैं। एक साल पहले 2 हैंडपंप खनन के लिए गड्ढे किए गए थे जो जस के तस पड़े हुए हैं, और उसमें भी दुर्घटना हो रही है। बगोडिया ग्राम पंचायत सरपंच, पति, सचिव और जनपद पंचायत के अधिकारियों के साथ भ्रष्टाचार का खुला अड्डा बना हुआ है। कलेक्टर ने इस मामले में जांच कर दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू यादव। कौन सा गांव है? खुशलपुरा पंचायत बरोदिया। क्या दिक्कत है? यहाँ यही दिक्कत है सर, ये खड़ंजा हो गया है,
इस पे जे है कि जे माल डाला नहीं, सीमेंट का चूरी का अभी लोकल ही डाला। अरे समझ में, चूरी गिट्टी आई वो भी कम ही आई, सीमेंट की बोली आई वे भी कम भाव की आई, कछू में मतलब सही सीमेंट लगी, कछू में सपा गलत सीमेंट लगी। गाड़ी आई जब भी बोला कि जे गाड़ी क्यों आई तो कह लगे तो कम वाली आ गई भैया, अब करवाना पड़ेगी। तो ऐसे जे कंक्रीट हो गया गांव में, ठीक है। और कुटी डालवे के पैसे कहते हैं पहले पैसा दो इसके बाद में कुटी डलेगी। कितने पैसे मांगते हैं? 15,000, 20,000, 25,000 तक मांगते हैं। वे तो है ही नहीं देने के लिए, कहाँ से दें, सब गरीब लोग हैं सपा। क्या नाम है आपका? जी कैलाश यादव। यादव जी कौन सी पंचायत है ये? जी बरोदिया पंचायत है साहब। तहसील? तहसील नटेरन है। ये क्या दिक्कत है पूरे जी साहब? RCC नहीं हुआ था जब गांव अच्छा भला था। ये सरपंच साहब ने 2 महीने पहले RCC करवाया है, सो पूरा खुद गया। भई रवानी पैरों में कत्तल लग दिए हैं, बच्चे बच्ची के पैर फूट गए और सरपंच से बोलते हैं सुनता ही नहीं है। 2 हेडपम्प गड्ढा खुदवा दाए, पैसे निकाल के खा गए, गड्ढा नहीं बनवाते, बच्चे जाते हैं, कचरा हो गया उनके पास में। पप्पू यादव। क्या परेशानी है? परेशानी यही है जो इतना सो खड़ंजा डार गए थे, बोई फूट गया भाई, मैं काकरा फतरा हीट रहा है, ना तो रेंगत बन रही ना फरत बन रही। पहले अच्छो है तो हमारे यहाँ रोड मोरम को रोड है तो अल बाप अच्छे वाले तो मोड़ा मोड़ी रेंगत थे, ना तो कोई रंग पा रहा हो ना चल पा रहा हो। कछू जंगा डार दो, कछू जंगा डारो ही नहीं है, सामान भर ट्रावली में पीछे लेगा और कछू गड्ढे ही परे रहेगा। हम गड्ढे ही परे हैं, हमने मतलब वही नहीं खड़न जाए। धब्बा भाई क्या परेशानी है, क्या दिक्कत? परेशानी है जो रोड डरवे जहाँ में बिल्कुल पान में झारे आ गए और सरपंच से बोले हैं तो सुनते ही नहीं। नहीं फिर झारे किस कारण आ गए? जा रोड फूट गया जो गिट्टी गड़े हैं। गिट्टी गड़े हैं। कितना समय हो गया ये साइड? 2 महीना भाई, दो ही भाई हैं। सरपंच से कहा इस बारे में? बोल सुनता नहीं है, खूब के हैं बोले, कछु ही नहीं के सुन के हिट जा। क्या नाम है आपका? अजमेर गुड़जार। कौन सा गांव है ये? खुसलपुरा। पंचायत? बरोदिया। तहसील क्या है? नटेरन शमसाबाद दो जंगा है। चलिए ये आपके जो गांव में खुसलपुरा में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? जो रोड डालो जब दिक्कत है, जब गिट्टी उखड़ गई, मुड़ा मुड़ा खून हिट रहा, छिद रही पान में, 2 महीना भाई वो 20 टका रेतड़ आ रही थी, 20 गिट्टी 1 टका सिमट आ रही, उखड़ का जेबी नहीं डल रही थी। सरपंच से बोले सुने ही नहीं। क्या बोलता? मोबाइल गिर जा, बोले ही नहीं। इसका पहले क्या कैसे निकलते थे आप? 1 लंबा निकलते थे। अच्छा, पुराने सरपंच ने करवा दो, अच्छा काम करवा। सर दूसरा नटेरन ग्राम पंचायत के अंतर्गत बरोदिया ग्राम पंचायत है, जहाँ पर निर्माण कार्यों को लेकर भी और कई विकास के कार्य जो है वो नहीं हो पाए, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। सचिव सरपंच पर अभी गंभीर आरोप लगते रहे, ये हमारी टीम वहाँ पहुँची थी, कई समस्याएं थी उनको लेकर। आपके माध्यम से ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, चूँकि आपने कहा है कि पंचायत के स्तर पर ये काम ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं एक CO जिला पंचायत को निर्देश दूंगा कि एक दल भेज करके इसका परीक्षण कर लें, ताकि जो भी शासकीय धनराशि है उसका सदुपयोग हो और जो निर्माण कार्य है वो समय पर पूरे हो और पूरी गुणवत्ता के साथ पूरे। नहीं, इसका पूरा तकनीकी परीक्षण करा लेंगे, हम एक दल भिजवा देंगे CO जिला पंचायत को निर्देशित करके, एक जांच दल भेज दें और जो भी हितग्राहीमूलक योजनाएँ हैं उनका लाभ लोगों को मिलना चाहिए, निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण पूर्वक होने चाहिए, अगर उसमें कोई त्रुटि है कमी है तो उसका निश्चित रूप से संज्ञान दिया जाए। विदिशा से सीनियर संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही, देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।